हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भारती। माय प्रोफेशन आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर। तो नया पेपर क्राफ्ट बनाते हैं रैबिट। समर वर्कशॉप के लिए, समर कैंप के लिए बहुत ही बढ़िया आइडिया। तो यहाँ पर मैंने पेपर्स ले लिए हैं जो मेरे आर्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। वाइट शीट को 2 पार्ट्स में कट कर लेंगे और उसके ऊपर ईयर्स ड्रॉ करेंगे, और जैसे जैसे मैं वीडियो में शो कर रही हूँ वैसे वैसे कटिंग करनी है। दोनों ईयर्स को अलग नहीं करना है, सेंटर में से ज्वाइन रखना है। जब हमें एक जैसी शेप बनानी होती है तो बेटर ये होता है कि उनको एक साथ कट कर लिया जाए। तो मैंने ईयर को ड्रॉ किया और दोनों ईयर्स को इकट्ठे ही कट करूँगी। ये हमारे क्राफ्ट का सबसे पहला बेसिक ट्रिक है, जो सेम साइज़ के लिए, सेम चीज़ के लिए पेपर को एक साथ रखकर तब कट करना चाहिए। ऐसे ही अब हम 2 ईयर्स पिंक पेपर पे बनाएंगे। वाइट को बड़ा रखेंगे, पिंक थोड़ा हम छोटा करेंगे। तो मैंने साइज के लिए जो हमारा आउटर कट हुआ था उसको मैंने रख लिया और उसी को रख के ड्रॉ कर लिया है और अब कटिंग कर रही हूँ। सेंटर वाला ईयर जो पिंक है वो छोटा रहेगा। जो दूसरी पिंक शेड था लाइट, उससे हम एक स्ट्रिप कट कर लेंगे जो हमारी ईयर्स को मूव करने के लिए काम आएगा। चलिए अब पेस्टिंग वर्क स्टार्ट करते हैं। पहले हम दोनों पिंक को व्हाइट के ऊपर स्टिक कर देते हैं। अब जो लाइट पिंक शेड था उसको दोनों ईयर्स के सेंटर में नीचे के साइड पर स्टिक कर देना है। अब दूसरा वाइट शीट लेंगे और उसके ऊपर सेंटर वाला पिंक स्ट्रिप जो है उसका मेजर लेंगे और वहां से सेंटर से हमें थोड़ा सा कटिंग करना है। जो हमने मार्किंग करके कट किया था वहां से हम पिंक स्ट्रिप को अंदर से निकाल देंगे। अब ईयर्स के साइड में जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको वहाँ से कट कर देंगे और अपनी शीट को वहाँ से फोल्ड कर देंगे। स्केल की हेल्प से फोल्ड करने से नीटली प्रेस हो जाता है और लाइंस हमारी बिल्कुल स्ट्रेट आती हैं। अब इसके ऊपर हम एक व्हाइट शीट और स्टिक करेंगे। दोनों फोल्डिंग साइड्स पर ग्लू लगाएंगे और अपना व्हाइट पेपर उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। अब रैबिट का फेस बनाएंगे। फेस बनाने के लिए एक बिग ओवल सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओवल सर्कल को कट कर लेंगे। फेस को चिपकाने के लिए हम ग्लू सिर्फ व्हाइट पेपर पर लगाएंगे, पिंक स्ट्रिप के ऊपर हमें ग्लू नहीं लगाना है। चलिए अब आईज भी बना लेते हैं। आईज के लिए मैंने डायरेक्ट ब्लैक पेपर से 2 सर्कल्स कट कर लिए और उनके ऊपर 2 वाइट पेपर से मैं उसकी आईबॉल्स बनाऊंगी। आईबॉल बनाने के लिए भी मैंने व्हाइट पेपर को ही कट कर लिया है। आप चाहे तो व्हाइट पेंट भी यूज कर सकते हैं। माउथ ड्रॉ करने के लिए मैंने मार्कर यूज किया है। तो पहले ट्राइंगल नोज बना लेंगे और नीचे फिर W बना देंगे और रैबिट के 4 पैर एक जैसे कट्ठे रखकर काट लिया है।
तो पहले उनको स्टिक कर देते हैं, फिर उसके ऊपर बाद में मार्कर से आउटलाइन कर देंगे। तो अब हमारे रैबिट के पैर भी रेडी हो गए हैं और अब हम बनाते हैं रैबिट की मूछें। मूछें बनाने के लिए वाइट पेपर की स्ट्रिप को थोड़ा पास पास से कट कर लेंगे, पूरा नहीं काटेंगे, लास्ट कॉर्नर से उसको जुड़ा रहने देंगे। अब इनको पेंसिल या किसी भी चीज़ से थोड़ा सा राउंड कर देंगे, टर्न कर देंगे, थोड़ा प्रेशर लगाकर करना है तो ये ऊपर की तरफ टर्न हो जाएंगे। बस हमारे रैबिट का माउथ रेडी है। अब पिंक स्ट्रिप को नीचे से थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आज का DIY क्राफ्ट रेडी है और बच्चे इस तरीके के पपेट्स को बहुत एंजॉय करते हैं, तो ये समर कैंप का तो हीरो रहने वाला है। काम पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।